जल भी दूध के साथ मिलने से दूध के ही भाव बिकता है। जल दूध के साथ मिलने से दूध के भाव बिकता है और खटास मिलने से अलग भी हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किन लोगों की संगति में रहते हैं। हेलो एवरीबॉडी, हियर आई एम सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज बात करूंगा द पावर ऑफ एसोसिएशन की। जी हां, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी व्यक्ति के साथ से आपकी जिंदगी बन सकती है और कैसे किसी व्यक्ति के साथ से आपकी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। जी हां, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। मेरी बात याद रखिए, नोट करिए। आज का ये वीडियो हर उस आदमी के लिए है जो जीवन में कामयाब होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि गड़बड़ कहां हो रही है। कभी कभी हो सकता है आपके साथ बैठा व्यक्ति आपकी नाकामयाबी का सबसे बड़ा कारण हो। आप में ताकत बहुत है, लेकिन आपके आजू बाजू, आपके इर्द गिर्द वो लोग हैं, उन लोगों का जमघट है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। मैं फिर रिपीट करता हूं, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। आप किसी दूसरे के दुख से मर सकते हैं। भावनात्मक अवस्थाएं बीमारियों की तरह ही संक्रमित होती हैं। हो सकता है आपको लगे कि आप डूबते आदमी की मदद कर रहे हैं, लेकिन यह याद रखें कि ऐसा करके आप सिर्फ अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बदकिस्मत लोग बदकिस्मती को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। बुरे लोगों को हमेशा बुरे ही लोग टकरते हैं। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो बदकिस्मती आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी। मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। इसलिए सुखी और खुश लोगों के साथ रहें। जो लोग प्रसन्न हैं, हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, ऐसे लोगों की संगति ढूंढिए और कैसे भी करके उस झुंड का हिस्सा बन जाइए। मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूं कि एक कौवा एक बीज को अपनी चोंच में दबाकर घंटा घर के ऊपर से जा रहा है। तभी वो बीज उसकी चोंच से फिसल गया और घंटा घर के नीचे की दरार में गिर गया। बीज मरते मरते बच गया। उसने घंटा घर को रिक्वेस्ट कर आग्रह किया, घंटा घर की दीवार से रिक्वेस्ट करी कि वे उसकी रक्षा करें। उससे ईश्वर का वास्ता दिया। दीवार की ऊंचाई, सुंदरता तथा उस घंटे की आवाज की तारीफ के पुल बांधने लगा और उसने कहा, अफसोस कि मैं अपने पिता के पेड़ों की हरी शाखाओं के नीचे नहीं गया। अफसोस कि मैं ऐसी जमीन पर नहीं गिरा जो पत्तियों से ढकी हो, लेकिन कम से कम आप तो मुझे सहारा दें। जब मैं उस चोंच में था तो मैंने कसम खाई थी कि अगर मैं बच गया तो अपनी बाकी जिंदगी एक छोटे से छेद में गुजार दूंगा। यह शब्द सुनकर दीवार को तरस आ गया और उसने उस बीज को वहीं शरण दी जहां वह गिरा था। कुछ ही समय में बीज की जड़ें निकल आई और बीज नीचे पत्थरों की दीवार के बीच में सेंध लगाने लगा और उन्हें दूर खिसकाने लगा। पेड़ की शाखाएं भी आसमान की तरफ बढ़ने लगी और जल्दी ही वह उस घंटा घर से ज्यादा बड़ा हो गया और उसकी गुथी हुई जड़ें इतनी मोटी हो गई कि वह दीवार को ही गिराने लगी और पुराने पत्थरों को उनकी जगह से दूर हटाने लगी। बहुत देर बाद जाकर दीवार को होश आया। ओहो, कि दया के कारण उसने अपने ही विनाश को आमंत्रित कर लिया। साथियों, लेकिन अब अफसोस करने से कोई फायदा नहीं था क्योंकि कुछ ही समय के बाद वह दीवार गिर गई। कौन व्यक्ति आपके आजू बाजू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये डिटरमाइन करें कि आपके आसपास बदकिस्मत लोग ना हो, आपके आसपास नेगेटिव बात करने वाले लोग ना हो। क्योंकि भगवान राम से उनकी माता कैकेयी अता प्रेम करती थी। भगवान राम उनको अपने बायोलॉजिकल सन भरत से ज्यादा अजीज थे, ज्यादा मोहब्बत थी उनको भगवान राम से। लेकिन जिस दिन महारानी कैकेयी ने मंथरा को अनुमति दी कि आइए मेरे साथ बात करिए, मंथरा जब कैकेयी से बात करने लगी तो मंथरा ने कुछ समय के अंदर कैकेयी को क्या समझाया, या आप सबको पता है कि मां कैकेयी जो राम से अता स्नेह करती थी, अचानक राम उनको दुश्मन लगने लगे और उनको लगने लगा कि भरत की जिंदगी में आगे बढ़ने में अगर कोई सबसे बड़ा रुकावट है तो वो राम है। 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने भगवान राम को दे दिया। और मैं आपको बता दूं, आप जान के बहुत ताज्जुब होंगे कि कैकेयी जिंदगी भर ये सोचती रही कि भगवान राम को जो वनवास हुआ है वो कैकेयी के कारण हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान राम को वनवास कैकेयी के कारण नहीं, इस कारण से हुआ कि उन्हें मंथरा को मौका दिया उनसे बात करने का और उनको प्रभावित करने का।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं। 6 नवयुवक 6 लोग पानी की बोट में समुद्र की यात्रा करने निकले। 6 लोग पानी की बोट में समुद्र यात्रा करने लगे। सबने अपनी अपनी टिकट ली, समुद्र में मौज करने के लिए उतरे। अचानक बीच समुद्र में एक लड़के ने अपनी कुर्सी के नीचे से ड्रिल मशीन निकाली और वो कुर्सी में छेद करने लगा, तो बाकी 5 लोगों को आपत्ति होना बहुत जायज था। उन 5 लोगों ने कहा, अरे भाई तू ये क्या कर रहा है? उस लड़के ने उन 5 लोगों को बोला, शट अप, मैंने टिकट अपना खरीदा है, ड्रिल मशीन अपनी लाया हूँ, अपने ही कुर्सी के नीचे छेद रहा हूँ, साला तुमको क्या तकलीफ है? क्या उन 5 लोगों को तकलीफ होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी संग ले डूबेंगे। किन लोगों के साथ आप जिंदगी गुजारते हैं, ये आपके जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चूज योर एसोसिएशन वेरी वेरी केयरफुली। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।